शराब के लिए 200 रुपए नहीं देने पर सामान की चोरी करने का अजीबोगरीब मामला पांच बावली पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया, जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय मेढे ने अधिक जानकारी साझा की। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी सोनू गणेश वर्मा ने पांच बावली गोंदपुरा स्थित कर्मवीर शिंदे स्कूल में नल का काम लिया था, जिसके चलते उन्होंने नल के काम में लगने वाली सभी मशीनें स्कूल के ही एक रूम में रखी थी। बुधवार को रोज की तरह ही वह अपने काम पर गए। इस वक्त जब उन्होंने रूम खोला तो उन्हें वहां सामान नहीं मिला। आसपास सामान ढूंढने पर भी नहीं मिलने के कारण उन्होंने पांच बावली पुलिस थाना अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई। इस आधार पर कार्रवाई पांच बावली पुलिस कर रही थी कि उन्हें गोंदपुरा में कुछ युवक संदेहास्पद अवस्था में दिखाई दिए। पुलिस को देखते ही युवक भागने लगे, लेकिन पुलिस उन्हें धर दबोचने में कामयाब रही। पुलिस ने जब आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि फरियादी से उन्होंने शराब के लिए 200 रुपए मांगे थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिए, जिसके चलते उन्होंने सामान चुरा लिया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय मेढे ने अधिक जानकारी साझा की। यातील फिरियादी सोनू गणेश वर्मा वय 30 वर्षे राहणार नायकवाडी बांगलादेश यांनी पाचपावली गोंडपुरा येथील कर्मवीर शिंदे शाळेच्या नळाचं काम घेतलं होतं आणि तिथे त्यांचं काम सुरू होतं। तर नळाच्या साहित्यासाठी जी खोदायची मशीन असते ती मशीन आणि इतर साहित्य त्यांनी त्या शाळेच्याच रूममध्ये दिनांक 2 मार्चला संध्याकाळी 6 वाजताच्या दरम्यान काम संपल्यानंतर रूममध्ये बंद करून ठेवलं होतं। तर ते दुसऱ्या दिवशी जेव्हा ते आलेत आणि त्यांनी बघितलं तर त्या रूममध्ये लॉक तोडून ते साहित्य चोरीला गेलेलं त्यांच्या निदर्शनास आलं। त्यावरून त्यांनी पोलीस स्टेशन पाचपावली येथे फिरियाद दिल्याने आम्ही सदरचा गुन्हा दाखल केला होता। पुलिस ने इस मामले में आरोपी कपिल उइके शेषराव उर्फ सोनू अनिल येते, अमित उर्फ गेंडा रामदास उइके और गणेश उर्फ टोपिया देवानंद नेताम को गिरफ्तार कर उनसे चुराया हुआ संपूर्ण मुद्देमाल जब्त किया। वहीं इस संदर्भ में पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा अटवा, BCN न्यूज नागपुर।